यह जीवन स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की एक यात्रा है। इसका अनुभव करने के लिए हमारे भीतर अनेक गुण होने आवश्यक हैं। आज का योग अनुक्रम मुद्राओं, पोस्चर्स की सुंदरता को समझाने पर ध्यान केंद्रित करता है, केवल कुछ बेजान मुद्राओं के रूप में नहीं, बल्कि हमारे जीवन का वर्णन करता है, जिसमें से साहस के साथ गुजरते हुए आंतरिक संतुलन और समत्व की ओर आगे बढ़ना है। वीरभद्रासन साहस के गौरवशाली गुण को दर्शाता है। ये एक ऐसा अनिवार्य गुण है जो हमारे हृदय में प्रज्वलित रहे, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना शेर जैसे साहस और सुघड़ता से कर सकें। स्कंदासन में प्रवेश करते हुए स्वयं को जीवन में आते उतार चढ़ाव के अनुभवों के बीच संतुलित और शक्तिशाली रहने की याद दिलाता है। अधोमुख श्वानासन की ओर बढ़ते हुए आगे की ओर झुकने से विनम्रता की अभिव्यक्ति होती है और ऊपर की ओर बढ़ने के लिए अहंकार का समर्पण होता है। ऊर्ध्वमुख श्वानासन में प्रवेश करते हुए रीढ़ की हड्डी को ताणकर पीठ को पीछे मोड़ते हुए स्वयं को अपने हृदय में से आशा की उस किरण को कभी दूर न होने देने का स्मरण करवाता है। एक पद अधोमुख श्वानासन में जाते हुए यह सुनिश्चित करना कि हमारा हमारे उद्देश्य पर लक्ष्य केंद्रित रहे और एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्यपूर्ण प्रयास हो। इस मजबूत इरादे के साथ हम एक सुंदर मोर की भांति ईश्वरीय कृपा की बौछार और वर्षा में नृत्य करने में सक्षम होते हैं और अपनी हर सांस का उत्सव मनाते हैं। बालासन में सरकते हुए दिव्यता की गोद में विश्राम करते हुए प्रभु की विनम्र संतान बनकर हम सुरक्षा और प्रेम का अनुभव करते हैं। इस दृढ़ प्रतीति और विश्वास के साथ हम प्रत्येक दिन उच्च विचार और उच्च जीवन की ओर बढ़ते हुए एक कदम ऊपर और ऊपर उठाने में सक्षम बनते हैं। जब हम अपने मूल्यों और मान्यताओं पर टिके रहते हैं, तब हम हर उस आंधी और तूफान का सामना कर सकते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम उत्थित हस्त पादंगुष्ठासन में प्रवेश करते हैं, यह जीवन की प्रतिकूलताओं के समय सीधे खड़े होने, एकाग्र, प्रखर और शक्तिशाली रहने की प्रेरणा देता है। जैसे ही हम अपने फ्लाइंग वॉरियर पोज की ओर बढ़ते हैं, तो अंततः अपने आतंरिक आकाश में सदैव उठाते रहने का लक्ष्य बनाते हैं। जब हम हमारे और सभी के भीतर बसे परमात्मा को नमन करते हैं, तब हम एकता और एकत्व की भावना का अनुभव करते हुए अंत में आतंरिक संतुलन और समत्व की स्थिति तक पहुंचते हैं। समस्थिति।